Today I am going to teach you menstrual cycle. Okay? In a previous video we have learned about female reproductive system. Clear? आज हम लोग menstrual cycle के बारे में study करेंगे. Menstrual cycle. What is the menstrual cycle actually? Menstrual cycle is a type of cycle that repeat after interval of time. Clear? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसी साइकिल होती है जो क्या होता है, रिपीट होता है, इसी के हम इसको साइकिल बोलते हैं. आपने पढ़ा होगा जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, उसी तरह ये साइकिल होता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. इट इज जनरली अक्कर इन फीमेल, ज्यादातर कहाँ होगा, फीमेल में होता है. ठीक, मेल में ये नहीं होता, मेल में एबसेंट होता है. ठीक, उसके बाद बात करें कब से शुरू होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट आपको कब से होगा, एट द एज ऑफ 12 and 13. ठीक, प्यूबर्टी एज से आप बोल सकते हो. मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी एज से, और एंड कब होता है, एट द एज ऑफ 45 to 50, जिसको आप लोग मेनोपॉज बोलते हैं. क्लियर? ओके, अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल किस फीमेल में नहीं होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल किस फीमेल में अगर मैं बात करूँ नहीं होता, एज ए फीमेल जो या तो प्रेग्नेंट हो, दूसरी बात या तो क्या हो, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हो, मतलब लैक्टेशन मदर हो. लैक्टेशन मतलब आप बोल सकते हो कि वो माँ अपने सन या चाइल्ड को क्या करते हो, मिल्क फीडिंग कराती हो. क्लियर? मिल्क की अगर जो फीडिंग कराते हो उसको हम लैक्टेशन मदर कहते हैं. लैक्टेशन मदर और पाचुरेशन मदर को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता. क्लियर? ओके, बात करते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेजेस होते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल के टोटल 4 फेजेस है. फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सेकेंड फेज इज रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, थर्ड फेज इज ओव्यूलेशन, एंड फोर्थ फेज इज पीरियड ऑफ रिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोक्राइन ग्लैंड, पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. क्लियर? पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने फेज है टोटल, 4 फेज. फर्स्ट इज नोन एज फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सेकेंड इज रिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, थर्ड फेज इज ओव्यूलेशन, फोर्थ फेज इज पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. क्लियर? टोटल आपके कब लगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं. फेज ऑफ मैच्योरेशन, सेकेंड इज रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, थर्ड इज ओव्यूलेशन, फोर्थ इज पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. क्लियर? ये 4 फेज होते हैं. ओके, कौन कौन से फेज, फेज ऑफ मैच्योरेशन, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ओव्यूलेशन, पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. There are 4 phases. Clear? After this, we have learned the name of pituitary gland, जो कि क्या होता है, hypothalamus के ऊपर present होता है. ठीक, फिर pituitary gland जिसको बोलते हैं. Pituitary gland को हम लोग master gland भी बोलते हैं. Pituitary gland is also known as master gland. जो भी कुछ होता है सब एक hormones की वजह से होते हैं. Clear? Hormones कौन secret करता है, gland secret करते हैं. ठीक, तो pituitary gland से क्या होगा, hormones release होंगे. ठीक, जो pituitary gland है वो एक हार्मोन्स रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं FSH. ठीक, क्या बोलोगे आप, FSH. FSH स्टैंड फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. FSH को क्या बोलोगे आप, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. F स्टैंड फॉर फॉलिकल, S स्टैंड फॉर स्टिमुलेटिंग, H इज हार्मोन्स. क्लियर? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का काम क्या है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करना, किसी चीज को उत्तेजित करने को बोलते हैं हम लोग क्या करना, स्टिमुलेट करना. क्लियर? स्टिमुलेट मीन्स उत्तेजित करना. क्लियर? तो FSH मीन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. क्लियर? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का क्या होता है, ओवम में, ओवेरी में ये क्या करता है, फॉलिकल का प्रोडक्शन करता है. क्लियर? जैसे कि सपोज दिस इज अ फॉलिकल, ये क्या है, फॉलिकल, ये फॉलिकल, दिस इज फॉलिकल, this follicle is converted into graafian follicle. ठीक, ये कौन सा follicle हो गया,
दिस इज नोन एज ग्राफिकन फॉलिकल। ओके, ये कौन सा फॉलिकल है? ग्राफिकन फॉलिकल। ओके, ये फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्राफिकन फॉलिकल में। फिर ग्राफिकन फॉलिकल क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा ठीक। ग्राफिकन फॉलिकल क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है ओविल्यूशन में। क्लियर? आप इसको बोल सकते हो दिस इज ओविल्यूशन। क्लियर? अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलोगे आप? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या है? ऊपर का जो ओवेरी है, ओवेरी से क्या बाहर आ गया? ओवम बाहर आ जाता है, तो जो चीज बच जाती है उसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे, और जो बाहर आया उसको क्या बोलोगे आप? ओवेरी ठीक। फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाकर कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस अल्बिकन्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस अल्बिकन्स। क्लियर? कॉर्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? कैसे? मैंने बताया आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से क्या करेंगे? फॉलिकल स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेट होने के बाद क्या होगा? कन्वर्ट होगा किसमें? ग्राफिकन फॉलिकल में। ओके, ग्राफिकन फॉलिकल के बाद कौन सा फेज आएगा? जब फेज आएगा ओवल्यूशन। उसमें क्या होता है एक्चुअली में, कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस ल्यूटियम मतलब बोल सकते हो ओवेरी से ओवम बाहर निकल आता है ठीक। ओवेरी से क्या निकल आता है बाहर? ओवम बाहर निकलता है। ओवेरी से बोल सकते हो आप ओवम बाहर निकल आएगा, जो अपर पार्ट बच गया उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटेटियम। क्लियर? व्हेन कॉर्पस ल्यूटेटियम कंबाइन दे फॉर्म कॉर्पस अल्बिकन्स। क्लियर? कॉर्पस ल्यूटियम कंबाइन होने के बाद क्या फॉर्म करेंगे? कॉर्पस अल्बिकन्स फॉर्म करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके किस तरह के, इसके हम ग्राफ से, ग्राफ की हेल्प से हम लोग समझेंगे किस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है। ओके, this is x axis and this is y axis. In x axis there is a date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and 28. Clear? हर 28 days बाद क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है। क्लियर? स्टार्टिंग विथ 1 एंडिंग विथ 28. क्लियर? इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट विथ 1 एंड एंड विथ बिटवीन 4 एंड 5. क्लियर? फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन पहले दिन से चौथे दिन तक होता है। फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन को आप क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज ब्लीडिंग फेज। क्लियर? इसको हम लोग और क्या बोलेंगे फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन को? ब्लीडिंग फेज। इसको आप लिख सकते हो फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और क्या बोल सकते हो? ब्लीडिंग फेज ठीक। आफ्टर दिस, ओके, आफ्टर दिस क्या होता है? इसके बाद क्या होगा? जो उसके बाद देखिए आप 14 डेज पे देखते हैं। 14 डेज पे हार्मोन क्या होता है? ओवल्यूशन। ओवल्यूशन कब होगा? ओवल्यूशन एक हार्मोन्स की वजह से होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जिसको हम बोलते हैं LH ठीक। LH स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। LH किसको बोलोगे आप? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को बोलेंगे। LH किसको बोलते हैं हम लोग? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का क्या काम है? ओवल्यूशन के दिन हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को हम लोग ओवल्यूशन हार्मोन्स भी बोलते हैं। ओवल्यूशन हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी दिन
ओवम रिलीज होता है ओवेरी से, ठीक, इसी के हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन हार्मोन्स। ओव्यूलेशन क्या है एक्चुअली देखा जाए तो आप बोल सकते हो रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवेरी इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, ठीक। और वही क्या करता है, कौन इंक्रीज हो जाता है उस दिन, लूटिनाइजिंग हार्मोन्स इंक्रीज होता है, इसी के हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन हार्मोन्स भी बोलते हैं, क्लियर। तो 14 दिन जो होता है दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन, आप इसको बोल सकते हो ये क्या है, ओव्यूलेशन वाला डे है, ठीक। इस दिन कौन सा हार्मोन्स हाई होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हाई होता है। उसके पहले क्या, उसके पहले कौन सा हार्मोन्स हाई होगा, FSH। उसके पहले कौन सा हार्मोन्स हाई होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या होगा, हाई होगा। आफ्टर दिस LH बिकम हाई एंड FSH बिकम लो, क्लियर। उसके बाद जो बचा 5th to 13 days उसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, क्या बोलोगे आप, दिस इज नोन एज रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, क्लियर। आपको मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंडोमेट्रियम वॉल बताई थी, अगर आपको लर्न याद होगा तो, क्लियर। इसके बाद क्या होगा, बाकी बचे जो 15 डेज से 28 डे तक उसको हम लोग बोलते हैं विच पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके, क्लियर। तो आप बोल सकते हो फेज ऑफ मैच्योरेशन इज आल्सो नोन एज ब्लीडिंग फेज एंड रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट विथ 5th and end on 13। ओव्यूलेशन डेज कौन सा होता है, 14 डेज होता है, और पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोग्लैंड डेज 15 से लेकर 28 डे तक होता है, क्लियर। अब बात करते हैं एक ग्राफ की, क्लियर। ब्लीडिंग फेज मीन्स जब ब्लड बाहर निकलता है, क्लियर। मान लीजिए जैसे कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, मैंने बताया था कि ये होता है एंडोमेट्रियम वॉल। जब मान लीजिए कि ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक हो जाता है और ब्लीडिंग के फॉर्म में क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक। वही चीज यहाँ पे है, जो 1 to 4 है वो क्या है, ब्लीडिंग फेज, बराबर। तो ये जब ब्रेक होगा तो ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्लियर, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो क्या होता है, सबसे पहले ब्लड बाहर आता है, ये सब पर समझ लीजिए, ब्लड बाहर आ गया, ठीक। 1 to 4 days तक, 4 to 5 days मतलब ब्लीडिंग होता है, तो 1 to 5 days बोल सकते हैं, या तो 4 days तक ब्लीडिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, मतलब एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन शुरू हो जाता है, ठीक। इसके बाद यहाँ से ये वापस से ब्रेक होगा, फिर से यहाँ पे ऐसा शुरू होता है, ठीक। स्ट्रेट लाइन इज मीन्स क्या, कौन सा फेज है, फेज ऑफ मैच्योरेशन, ब्लीडिंग फेज। उसके बाद क्या होगा, फिर से एंडोमेट्रियम की वॉल डेवलप होना स्टार्ट होती है। एक्चुअली देखा जाए होता किस तरह है, मान लीजिए सपोज ओवम रिलीज हुआ, ठीक, फ्रॉम ओवेरी, दे ओविडक्ट में जाने के बाद क्या करेगा, ओवम वेट करता है किसका, स्पर्म का। अगर स्पर्म आया, ठीक, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया तो उसके बाद क्या होगा, वो बेबी, मैंने आपको बताया था एंडोमेट्रियम वॉल से क्या होता है, अटैच हो जाता है थ्रू प्लासेंटा, ठीक, जिसके हेल्प से क्या करते हैं वो लोग, फूड अपना एक्सेट्री प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट सब कुछ लेते देते हैं, क्लियर। तो बट जब ओवम क्या हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा, थ्रू ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाते हैं, क्लियर। अब कौन से दिन ये पॉसिबल होता है, देखो ओवियम कौन से दिन रिलीज होता है, 14 डेज, क्लियर। अगर 14 डेज पे कोई वर्क करता है, जैसे 14 डेज पे अगर वर्कआउट हुआ तो देयर इज अ चांसेस ऑफ 99% दे विल बी प्रेग्नेंट, क्लियर। जैसे देखिए, अगर कोई एक स्पर्म, एटलीस्ट मैंने आपको बताया था एक स्पर्म की
वियबिलिटी मतलब कितने दिन तक वो लिव रह सकता है, तो मैं आप कितना दिन था वो 5 डेज, तो अगर 14 डेज पे ओवम रिलीज होता है तो वो 15-16-17 डे तक रह सकता है, क्लियर। और अगर वो 12-13 में भी फर्टिलाइजेशन में अगर वुमेन जाती है, फीमेल जाती है, तो 12-13 के बाद भी 14 को क्या कर सकते हैं वो लोग, क्लियर। तो 14 को भी अपना ओवुलेशन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, क्लियर। तो इसलिए बोला जाता है 11-12-13 and 14-15-16-17, दिस इज फेज इज वेरी डेंजरस फेज फॉर फर्टिलाइजेशन, क्लियर। मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए अच्छे दिन होते हैं, ओके। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, हाँ, उसके बाद मैंने बता दिया आपको, ये क्लियर है सबको। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे नर्व्स होते हैं, क्या होंगे इसके अंदर, बहुत सारे नर्व्स होंगे, आफ्टर दिस। इसके बाद क्या होगा, जो देखिए ये इसके अंदर दो हार्मोन्स रिलीज होंगे थ्रू फॉलिकल एंड ग्राफिकन फॉलिकल, वन ऑफ द हार्मोन्स इज रिलीज नोन एज इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसका काम क्या है, इसकी थिकनेस को इंक्रीज करना, क्लियर। थिकनेस को इंक्रीज करने का काम किसको होता है, इस्ट्रोजन का, क्लियर। इस्ट्रोजन क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम वॉल को धीरे 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 क्या करता है, ठीक करता है, कौन करेगा वैसा, इस्ट्रोजन करेगा, क्लियर। और कॉर्पस लूटियम और अल्बिकन से एक हार्मोन्स निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का क्या मतलब है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करता है, एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ये चीज को ठीक करने में, थिकनिंग को मेंटेन करने के लिए, क्लियर, थिकनिंग को मेंटेन करने के लिए कौन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करेगा, थिकनिंग को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लियर। क्योंकि देखो जितना थिक रहेगा बेबी उतना न्यूट्रिशन ले सकता है, बट उसको कौन, उसको मतलब बोल सकते हो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन, इसके लिए थिकनिंग के लिए, ओके। आफ्टर दिस ओके, एस्ट्रोजन समझा, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन समझा। अभी क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करेगा, थिकनिंग का काम मेंटेन रखता है, ओके। एस्ट्रोजन का क्या काम है, इसको इंक्रीज करना, क्लियर। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक, उसका बेबी 1-2 डेज का डेवलप्ड है, तो हमको अगर पता करना है तो इसको हम लोग ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट अगर आप कराओगे, ब्लड टेस्ट करने में जब आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज पाया जाएगा, इट्स मीन्स यू आर प्रेग्नेंट, क्लियर। क्या इंक्रीज होना चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन। जब कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है, ठीक, तो उसका प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज रहता है, ठीक, उनका प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज नहीं होता। प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहेगा तो समझ जाने का क्या है, लेडीज प्रेग्नेंट, क्लियर। समझा, कोई डाउट, वापिस से वन टाइम रिवाइज कर देता हूँ, ठीक, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिपीटेटिव फेज है जो कि जनरली फीमेल में होती है, क्लियर। इट स्टार्ट एट द एज ऑफ 12 and 30, दैट इज नोन एज प्यूबर्टी एज, एंड इट एंड ऑन, कब एंड हो जाएगा ये, एट द एज ऑफ 45-50, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, मेनोपॉज, क्लियर। इतना समझा, मेनोपॉज किसको बोलना है, ओके। ये किसके अंदर नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट अकर इन पार्शुरेशन बोल सकते हो आप, पार्शुरेशन एंड लैक्टेशन मदर, ठीक, जो मदर प्रेग्नेंट हो या जो मदर फीडिंग कराती हो अपने बेबी को, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहता है, क्लियर। मतलब अगर किसी माँ ने किसी बच्चे को जन्म दिया है तब भी उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, और अगर कोई माँ अपने मतलब बोल सकते हो, अगर कोई जो मॉम मतलब बोल सकते हो मदर है अपने बेबी को फीड करा रही है, क्लियर, फीडिंग करा रही है, मतलब मिल्क फीडिंग करा रही है, तो भी उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, क्लियर। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस है, कौन कौन से फेज है, फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ओव्यूलेशन, नेक्स्ट फेज इज पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। देयर आर 4 फेजेस, नोन एज फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट, सेकंड फेज इज रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, थर्ड फेज इज ओव्यूलेशन, एंड फोर्थ फेज इज पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, क्लियर, ओके। इसके बाद क्या,
इसके बाद मैंने आपको बताया फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग माइस्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, उसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं FSH, फ्रॉम FSH, FSH स्टैंड फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। FSH को क्या बोलोगे आप, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है, ओवेरी में फॉलिकल प्रोड्यूस करेगा। ठीक, आफ्टर दिस फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू ग्राफिकन फॉलिकल, ग्राफिकन फॉलिकल से कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक, इसको आप बोल सकते हो ये ओवेरी है, ओवेरी से ओवम बाहर आ गया तो उसको हम लोग ओव्यूलेशन भी बोलते हैं। ठीक, दिस इज आल्सो नोन एज ओव्यूलेशन। क्या बोलोगे आप, ओव्यूलेशन। ठीक, ओव्यूलेशन भी बोला जाता है। तो जब ओवम बाहर निकल जाता है जो अपर पार्ट बच गया वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम अगेन जाके क्या हो जाएगा कन्वर्ट, कॉर्पस अल्बिकंस में। क्लियर, आफ्टर दिस क्या होगा, जब फॉलिकल और ग्राफिकन फॉलिकल मिलकर कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, इस्ट्रोजन, जिनका फंक्शन क्या है, इसके थिकनिंग को इंक्रीज करना। क्लियर, और फिर और जो कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस अल्बिकंस से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन, जिनका फंक्शन क्या है, इस चीज को मेंटेन रखना। ठीक, अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होता है मींस वुमेन इज प्रेग्नेंट। क्लियर, इफ लो देन देयर इज नो प्रेगनेंसी केस। क्लियर, ओके। फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन को हम लोग क्या बोलते थे, ब्लीडिंग फेज बोलते थे। तो मतलब ब्लीडिंग फेज कब से शुरू होता है, पहले दिन, मतलब फर्स्ट डे से फोर्थ या फिफ्थ डे तक ब्लीडिंग होती है। क्लियर, उसके बाद क्या होगा, रीजनरेशन स्टार्ट होता है। किसका रीजनरेशन होगा, एंडोमेट्रियम वॉल का। एंडोमेट्रियम वॉल धीरे 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 क्या होगी, थिक होगी। उसके बाद 14 डेज जिस दिन आएगा उसका ओव्यूलेशन डे बोलते हैं। ओव्यूलेशन मैंने बताया आपको क्या होगा, उस दिन ओवम का रिलीज होता है। ओवम रिलीज होगा कहाँ से, ओवेरी से, उसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन डे के दिन कौन सा हार्मोन्स का लेवल हाई होता है, कौन से हार्मोन्स का लेवल हाई होता है, LH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हाई होगा। क्लियर, इसलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स मान लीजिए हाई होगा उस दिन, अगर स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज कर दिया तो उधर 100% चांस हो जाता है बेबी इज मिस द वुमेन इज प्रेग्नेंट। क्लियर, उसके बाद आप बोल सकते हो जो 15 डेज से 28 डे तक है वहाँ पे क्या होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस दिस। उसके बाद क्या होता है, जब 28 डेज खत्म, उसके बाद क्या होगा, एंडोमेट्रियम वॉल वापस से ब्रेक हो जाएगी। ओके, ब्लीडिंग फेज आएगा, फिर उसके बाद वापस से डेवलप होना स्टार्ट होती है। क्लियर, जब फीमेल, कोई भी फीमेल अगर बॉर्न होती है तो उसके अंदर कम से कम 2 to 4 million ओवा प्रेजेंट होता है। हाउ मेनी, 2 to 4 million ओवा। बट जब तक वो प्यूबर्टी एज में आती है, प्यूबर्टी एज में आने के बाद उसके पास एटलीस्ट 400 ओवम ही बचे रहते हैं, जो कि हर मंथ क्या होते हैं, एक एक रिलीज होते हैं। अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो वो क्या होगा, फर्टिलाइज हो गया तो क्या हो सकता है, जायगोट में डेवलप हो जाएगा। क्लियर, बट अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, कौन सा केस आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का केस आ जाता है। क्लियर, समझाइए, हर ओवम हर मंथ में रिलीज होता है। क्लियर, रिलीज होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन का वेट करेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वापस से वो ब्लीडिंग फेज में जाएगा, फिर से रीजनरेशन होगा और फिर से वापस से टूट जाएगा। क्लियर, एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। ठीक, आप बोल सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ओव्यूलेशन, पीरियड ऑफ सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। और अगर आप ऐसे ना चाहकर अगर हार्मोन्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, FSH लेकर, LH लेकर, एस्ट्रोजन लेकर एंड प्रोजेस्टेरोन लेकर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसे केस में जब फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो एक्चुअली सबको बहुत पर्सनल हाइजीन रखनी पड़ती है। क्लियर, क्योंकि इसे सब लोग मतलब अलग ही तरीके से मानते हैं। ठीक, दिस इज ए नेचुरल साइकिल, डे ऑन आपका इन फीमेल। ठीक, सिर्फ फीमेल में होता है तो इसके लिए हम लोग को इसमें पर्सनल हाइजीन रखनी पड़ती है। क्लियर, वी हैव टू मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, ओके, व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, थैंक यू।